रास्ता। दूसरा सवाल, किसान की आय फरवरी 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था, पर एनएसओ भारत सरकार के मुताबिक इन सारे 5 और 6 किसान विरोधी निर्णयों के बाद किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन और किसान के औसत कर्ज 74,000 रुपया हो गया, तो किसान की आय दुगनी करने का रास्ता क्या है और वो कब तक होगा? तीसरा सवाल, किसान के ईंधन डीजल पर 3.56 रुपया प्रति लीटर से 28 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का जो काम किया है उसे वापस करने का इरादा किया। चौथा सवाल, खेती पर जो टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है, उससे राहत देने का रास्ता क्या है? 5% खाद पर टैक्स लगा दिया, 18% कीटनाशक दवाई पर लगाया, 12% ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर लगाया, तो खेती को टैक्स से जीएसटी जो लगाया उससे राहत देने का इरादा क्या? और पांचवा, सुप्रीम कोर्ट और संसद में कहते हैं किसान की कर्ज मुक्ति का पैसा नहीं, पर आपकी एनएसओ कहती है कि देश का हर किसान 74,000 रुपया कर्ज के औसत कर्ज के नीचे दबा है, तो किसान की कर्ज मुक्ति का मंशा क्या?